जिन पौधों की पत्तियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं और उन्हें हम अपने बालकनी गार्डन में सिर्फ इसलिए लगाते हैं क्योंकि वह देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं और भले ही वह फ्लावरिंग ना करें लेकिन उसके पत्ते ही किसी फ्लावर से कम नहीं होते। पत्तों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, इन्हें उचित मात्रा में कैल्शियम और फॉस्फोरस का मिलना ज़रूरी होता है जिससे कि इनकी पत्तियाँ और ज़्यादा सुंदर आएँ और चमकदार आएँ। जब हम बालकनी में किसी पौधे को लगाते हैं तो इसके लिए अलग ही फर्टिलाइज़र का हमें चुनाव करना चाहिए क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाने के लिए वैसे तो हम एप्सम सॉल्ट भी दे सकते हैं लेकिन उसके लिए धूप का होना ज़रूरी है, लेकिन ये कुछ ऐसे प्लांट हैं जो शेडी प्लेस में ग्रो हो रहे हैं तो फिर क्यों ना हम किसी ऐसे फर्टिलाइज़र का चुनाव करें जो शेडी प्लेस में भी बहुत ही अच्छा काम करता है। दोस्तों, आज जिस फर्टिलाइज़र के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ उसे आप अपने बालकनी गार्डन में जितने भी शेड में प्लांट आपने लगा रखे हैं, चाहे वह डिफेनबेकिया हो या फिर क्रोटोन हो या फिर मनी प्लांट हो, उन सब पे दे सकते हैं। क्रोटोन पर मैं इसी फर्टिलाइज़र को देती हूँ और आप देखो ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है, पत्तियाँ भी चमकदार और सुंदर निकल करके आई हैं। ये जो फर्टिलाइज़र है ये आसानी से मिल जाता है, बिल्कुल बजट फ्रेंडली है, बहुत ही कॉस्टली नहीं है, आसानी से किसी भी नर्सरी पर मिल जाएगा। ये है रॉक फॉस्फेट यानी कि रॉक डस्ट। इस पर एक कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पर है, आप जाकर देख सकते हैं रॉक डस्ट क्या है और इसका पौधों पर क्या उपयोग होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब कभी आप अपने क्रोटोन या जितने भी शेड लविंग प्लांट पर आप इसे डालते हो तो सबसे पहला काम जो ये करेगा आपके प्लांट को रोगाणु मुक्त करेगा, यानी किसी भी तरह का कीट या फंगल इन्फेक्शन आपके प्लांट में है तो उससे ये रक्षा करता है, यानी एक तरीके के आप कह सकते हो पेस्टिसाइड की तरह भी काम करता है। और ये पाउडर है, इसे आप ड्राई फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो, लिक्विड फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके प्लांट के रूट सिस्टम को भी मजबूत करता है और पत्तियों को चमकदार बनाने में कैल्शियम की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है, तो ये बहुत ही अच्छे मात्रा में कैल्शियम प्रदान करता है। ये जो इसका उजला रंग है ये कैल्शियम को देने में सपोर्ट करता है और किसी भी आप ऐसे प्लांट पर डाल सकते हैं जो प्लांट धूप में नहीं भी रखते हैं, यानी कि इंडोर और आउटडोर दोनों प्लांट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर हमने देखा है कि जो क्रोटोन का पौधा होता है जब उसे हम शेड में लगाते हैं उस पर कीटाणुओं का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, तो आप यदि इस फर्टिलाइज़र को देते हैं तो आपको किसी भी और पेस्टिसाइड को देने की ज़रूरत नहीं है। इस स्टोन डस्ट को ऊपर से भी दे सकते हैं, गुड़ाई करके भी छिड़क सकते हैं और पानी के फॉर्म में भी, पानी में डाल करके भी आप दे सकते हैं। इससे आप स्प्रे थोड़ा ख़राब हो जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छन करके पतला नहीं होता, गाढ़े में भी थोड़ा ये ऐसा रहता है कि उसके पाइप में फंस जाता है, तो कोशिश करें कि इसे या तो लिक्विड फॉर्म में दे दीजिए या ड्राई फॉर्म में दे दीजिए। मेरे गार्डन की मिट्टी थोड़ी सी मॉइस्ट है तो मैंने ड्राई फॉर्म में दे दिया। इसका एक बार देने के बाद 15 से 20 दिनों तक कैल्शियम की कमी आपके प्लांट को कभी भी नहीं होगी और जितने भी क्रोटोन या इस तरह के प्लांट हैं जिनकी पत्तियों की वजह से ही उनकी खूबसूरती जानी जाती है वो प्लांट बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत ही सुंदर निकल के आते हैं। दोस्तों, ये जो स्टोन डस्ट है ये स्टोन से जो पत्थर की जो चट्टान होते हैं उन्हें क्रशर मशीन में डाल करके ये पाउडर तैयार किया जाता है, तो ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है और आपके बालकनी गार्डन को इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। आपके वो प्लांट जिनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है या फिर नीचे से बहुत ही पतला बेजान सा हो गया है, ऐसे में भी आप इस रॉक फॉस्फेट का इस्तेमाल कीजिए, कैल्शियम की कमी के साथ फॉस्फोरस की कमी भी दूर होगी।